नमस्कार दोस्तों, IQ Neo 7 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इस फोन को लॉन्च किया गया है अमेजन के एप्लीकेशन पर और इसका सेल आज ही आने वाला है। तो आज किस रेंज से पर हम बात करेंगे और जानेंगे प्राइसिंग डिस्काउंट ऑफर के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंड तक देखिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। दोस्तों, IQ Neo 7 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है और यह फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है दो कलर के साथ। दोनों कलर काफी इंटरेस्टिंग है और कुछ दिन बाद या फिर अगले मंथ में एक और कलर लॉन्च होगा जो कि होगा ऑरेंज कलर। देखिए, यहाँ पे जो IQ Neo 7 5G स्मार्टफोन है, इसका जो भी प्राइसिंग है, ऐसा प्राइसिंग मैंने आपको इससे पहले भी गेस करके बता रखा था और सेम प्राइसिंग में यह फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है और डिस्काउंट भी काफी अच्छे लेवल का है। जो भी चीज है सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन के बारे में जो कि दिया गया है IQ Neo 7 5G स्मार्टफोन में। IQ Neo 7 5G स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा 6.78 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले और यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है वो है फ्लैट और देखने को मिलता है 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट और 1200 हर्ज का दिया गया है इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट। मतलब डिस्प्ले का स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा खासा दिया गया है और बेजल्स भी काफी पतले हैं। अगर हम बात करें कैमरा सेटअप के बारे में तो IQ Neo 7 5G स्मार्टफोन है, इसमें दिया गया 64MP का AI ट्रिपल कैमरा, जहाँ पर 64MP का मेन कैमरा है जो कि आता है OIS के साथ। उसके बाद 2MP का माइक्रो कैमरा और 2MP का डेप्थ कैमरा दिया गया है और फ्रंट में दिया गया 16MP का सेल्फी कैमरा जो कि आता है सेंटर 3D Punch Hole के साथ, आप यहाँ पर देख पाओगे। उसके बाद IQ Neo 7 5G स्मार्टफोन है, इस फोन में दिया गया है MediaTek का Dimensity 8200 वाला प्रोसेसर जो कि आता है LPDDR5 RAM के साथ और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ और इस फोन में 5G के बैंड भी काफी अच्छा खासा दिया गया है। उसके बाद इस फोन में दिया गया 5000mAh का बैटरी जो कि आता है 120 वाट चार्ज सपोर्ट के साथ और ये चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा। अगर हम कुछ अदर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में दिया गया है डुअल स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होने वाला है, हेडफोन जैक नहीं दिया गया है, दो कलर के साथ आता है, एंड्रॉइड 13 पर रन करता हुआ दिखेगा जो कि बेस्ड होने वाला है फन टच OS 13 पर। अब चलिए हम बात करते हैं इस फोन का प्राइसिंग क्या है, डिस्काउंट किस तरीके से है, बिकॉज इस फोन का सेल आज ही आने वाला है, मतलब 1 PM से सेल स्टार्ट होने वाला है अमेजन के एप्लीकेशन पर। वैसे आप इस फोन को बाय कर सकते हो IQ के ऑफिशियल वेबसाइट से भी। अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं, यहाँ पर जो IQ Neo 7 5G स्मार्टफोन है, इसका पहला ब्रांड है 8GB 128GB का और इसका प्राइसिंग है 30,000 और जो 12GB 256GB का ब्रांड है, इसका प्राइसिंग है 34,000। और दोस्तों, IQ Neo 7 5G स्मार्टफोन 90fps गेमिंग को भी सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें डिस्काउंट ऑफर के बारे में तो IQ Neo 7 5G स्मार्टफोन है, इस पर आपको मिलेगा 1500 रुपये का डिस्काउंट जो कि है HDFC बैंक और ICICI बैंक और SBI बैंक के साथ, और 1500 रुपये का जो डिस्काउंट है आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यानी दोनों से मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया है 2000 रुपये का एक्सचेंज माउस, मतलब अगर आप ओल्ड फोन से एक्सचेंज करके इस फोन को बाय कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2000 रुपये का एक्सचेंज बाउंस। और यहाँ पर जो एक्सचेंज बाउंस है उसके साथ बैंक ऑफर मिल पाएगा या फिर नहीं, इसको हम किसी अन्य वीडियो में चेक कर लेंगे। और आप इस फोन को EMI पे भी बाय कर सकते हो और यहाँ पे जो भी बैंक ऑफर है उसको अप्लीकेबल करने के बाद IQ Neo 7 5G स्मार्टफोन है, इसके बेस ब्रांड को आप बाय कर सकते हो 28,500 रुपये में। देखिए, प्राइसिंग अभी काफी ज्यादा है लेकिन कुछ दिन बाद या फिर कुछ महीने बाद इसका प्राइसिंग काफी लेस होने वाला है, बिकॉज ये फोन गेमिंग के लिए काफी अच्छा है लेकिन अदर सिनेरियो में ये फोन उतना अच्छा नहीं है और प्राइसिंग भी इस फोन का भी ज्यादा है और डिस्काउंट उतने अच्छे लेवल का भी नहीं है। वैसे इस फोन का सेल स्टार्ट होने वाला है अमेजन के एप्लीकेशन पर आज से ही 1 PM में।